एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना चल रहा है और हर जगह जय जयकार हो रही है। हर हर महादेव, सब जल लेके आ रहे हैं और कुछ लोग पैदल जल लेके आ रहे हैं और कुछ तो अपने माता पिता को भी, ऐसे जैसे श्रवण कुमार लेके आए थे इस तरह से भी जल लेके आ रहे हैं। मतलब कलयुग में इस तरह से ऐसे होना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और कितनी गर्मी हो रही है गाइस, अनलिमिट गर्मी है और ऐसे में भी जल लाना और चलना बहुत मुश्किल है। और गाइस, आज का व्लॉग है, ये जो तीजो आ रही है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो तीजो। तो मैंने तीजो पे जो शॉपिंग करी है, मैं आज आपको शॉपिंग व्लॉग दिखाऊंगी। सब एक्साइटेड होंगे। और सबसे पहले होता है मतलब तीजो पे ग्रीन चूड़ियों का गाइस। और देखो ये है ग्रीन चूड़ी, वाह देखिए। और ये हैं, इनको मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, फिर आपको और चीज भी दिखाऊंगी गाइस। ये मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ। वैसे मैं कम चूड़ियाँ पहनती हूँ, पर जैसे पार्टी वार्टी में तो मैं पहन लेती हूँ। वाओ, और घर में तो इस तरह के कड़े पहनती हूँ, वो भी बहुत पुराना हो रहा है कड़ा। और देखिए कैसी लग रही है ये, हाँ चूड़ी अच्छी लग रही है ना। बहुत सुंदर लग रही है। और ये खनखन बसी तो और अच्छी लगती है ना। और गाइस, मैंने जो मंगाया है अभी मैं दिखाती हूँ। अब मैं पहनूंगी क्या, वो तो जब तीजो सेलिब्रेट करेंगे ना तो जब हम आपको बताएंगे। देखो ये ग्रीन सूट है गाइस, देखो ये वाला ग्रीन सूट है, मैं दिखाती हूँ। ये ग्रीन सूट है और इस पे इस तरीके से नेट लगी हुई है। और साथ में इसका ये ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है। तो दुपट्टे में ये बहुत अच्छा है, इस तरह का दुपट्टा है, ज़्यादा हैवी नहीं है और इस तरह की इस पे यहाँ नेट लगी हुई है, तो बहुत सुंदर लगता है पहन के। अब देखती हूँ ये पहनती हूँ या कुछ और मैं पहनती हूँ, आपको बताऊँगी। ठीक है, नहीं दिखा देती हूँ, सोचेंगे तह बनाने लग गई है ये तो, है ना। और गाइस, एक ये सूट है पर जो मॉल से लाए तो इस तरह का ही हो रहा है। और ये ट्राउज़र है और एक ये है। और सबसे अच्छा है और ये है, ये सूट है, मतलब सूट नहीं है ये गाइस, वन पीस है। तो शायद मैं सूट भी पहन सकती हूँ, ज़्यादा सिंपल होगा, नहीं तो फिर ये पहनूंगी। इसकी मैं चुन्नी दिखा देती हूँ, देखो यस ये चुन्नी है, अच्छी है ना। और ये किसी और पे भी चल सकती है, ऐसा नहीं है कि केवल मतलब इसी पे ही चलेगी। और इसके साथ में और ये बेल्ट भी है। और गाइस ये है सूट, सूट नहीं मतलब अनारकली सूट। पूरा दिखाऊंगी, पूरा आपको जो इसका लुक है, ये शायद मैं यही पहनूंगी तीजो पे, तो तीजो पे पहनूंगी जब दिखाऊंगी मैं आपको। बताना कैसा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है ना। और गाइस मैंने मंगाया है और देखो मेरी लिपस्टिक ये सबसे अच्छी होती है, ये छूटती नहीं है, देखो ये मंगाई है, मेबलिन की है, मेरे पे खत्म हो गई थी, अधिकतर मैं यही लगाती हूँ, तो मैंने ये दो लिपस्टिक मंगाई है। और काजल भी मेरा खत्म हो रहा था तो मैं जो काजल लगाती हूँ ये रहा, फेस स्कैनर का। और इसके साथ में हमें एक लिपस्टिक फ्री आई है, दो लिपस्टिक के साथ हमें एक फ्री मिली है, फ्री फ्री फ्री।
ये मिली है वो लिपस्टिक। आ देखो, अच्छा है कलर, देखो ये वाला अच्छा है शेड इसका भी। अधिकतर मैं इस तरह की कलर लगाती हूँ, उन्होंने भी सोचा कि चलो इनको यही दे देते हैं, ठीक है। और ये लाइनर है, ये ऊपर वाला है लिक्विड वाला। और गाइस बिंदी तो मैं सिंपल ही लगाती हूँ, ज़्यादा वैसी नहीं लगाती बिंदी। गाइज इनको मैं ये रख देती हूँ, आपको ये दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में। और गाइज ये है मेहंदी, और मेहंदी के बिना तो कोई भी त्योहार अधूरा ही रहता है। देखो अब पता नहीं मैं मेहंदी लगा पाऊंगी नहीं लगा पाऊंगी, कोई लगा क्योंकि बिजी हूँ, क्योंकि मेरे किटी भी है, तो किटी कीर्तन की सफाई चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। और गाइज ये है, और साथ में ये है, और बिंदी का पैकेट है, और गाइज ये सिंदूर भी है, लिक्विड भी लगाती हूँ, कभी कभी ये वाला भी सूखा भी लगा लेती हूँ। यस, बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं है, छोटा सा है, छोटी सी शॉपिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये है कि अच्छा लगता है कि भाई तीजों पे सेलिब्रेट करें। अब देखो हम आपस में फैमिली में ही मना लेते हैं, जैसे भाई बहुएं हो गई, हम हो गई, बेटियां हो गई, थोड़ा बहुत आउटिंग चले जाते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं। आप यदि देखोगे तो पहला वाला ब्लॉग देखोगे जो मैंने हमने लास्ट ईयर मनाया था, तो जरूरी नहीं है ग्रीन ही पहनो, कुछ भी पहनो, पर एक्साइटेड रहते हैं कि तीजो मनेगी, सेलिब्रेट होगी। और इसमें क्या होता है, सबके अपने मायके से सिंदारा आता है, तो उसमें जैसे कि घेवर आएगा, बालूशाही, गुंजिया आती है, और बहुत से मेकअप का सामान आता है। अब तो आजकल देखो भाई, अब सब पैसे दे देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदो। तो मेरे को भी मेरे मतलब घर से भैया भैया पैसे दे देते हैं और मीठा भिजवा देते हैं, तो लेकिन जो बुओं के घर से आते हैं उनके मतलब लगा लो कि हमारे एक महीना इतना मीठा चलता है कि एक का खत्म है दूसरे का सिंदार आ जाता है, पांच महीने के बाद एक का खत्म है और उनके मीठे चलते हैं, साथ में हमारे भी, तो इस तरह से इतना मीठा आता है। और बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है आज मेरा, बस ये मैंने शॉपिंग का आपको दिखाया, कैसा लगा मेरा शॉपिंग का ब्लॉग। और जो न्यू है चैनल पे वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।